अब अगर मैं अपने बात करूं कि सर अर्ली प्रॉब्लम्स के अंदर क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप ये बताएंगे कि 1947 में पाकिस्तान बन जाता है, और जब वो पाकिस्तान बनता है तो इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि भाई पाकिस्तान बन कैसे गया, पाकिस्तान एक अलग कैसे हो गया, क्योंकि उनको हमसे बदले लेने थे, उनको सारी चीजें करनी थी, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। जब उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी तो दे वॉन्टेड कि पाकिस्तान वापसी किसी भी तरीके से कहां पर आ जाए, वापसी हमारे पास आ जाए, मतलब इंडिया के साथ रिज्वाइन कर ले। और उसका एक ही तरीका था, वो तरीका ये था कि हम सामने वाले को इतना तंग करें, सामने वाले को इतना तंग करें कि वो बोले यार मैं क्यों बन गया, मेरी तो जिंदगी ये लोगों ने क्या कर दी, तबाह बर्बाद कर दिए। जैसे कि आप लोगों के अंदर क्या हुआ, आप लोगों के घर के अंदर कोई समझो मासी काम करती थी, क्या करती थी, मासी काम करती थी। अब मासी जब काम छोड़कर जाएगी तो मासी क्या करेगी, मासी शायद ये बोल दे पूरे मोहल्ले में, एक मासी को बोल दे कि भाई इनके घर में काम नहीं करना, क्या नहीं करना, इनके घर में काम नहीं करना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो बात यह है कि इंडिया चाहता था कि भाई अगर ये हमारे साथ नहीं रह रहे ना, तो हम इनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें कि वापसी हमारे पास आ जाए, मतलब हमारे पास ही वो हो जाए। तो इंडियंस वॉन्टेड कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करे। इंडियंस के दिमाग में ये था कि अगर पाकिस्तान ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा तो वो वापसी इंडिया को रिज्वाइन कर लेगा। ये हमारा अर्ली प्रॉब्लम्स का इंट्रोडक्शन है। और हर बच्चे को ये बात पता है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन से आप किस में लिखते हो, 14 मार्क्स के आंसर में लिखते हो, और वो भी आपके ऊपर लिखना जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हमारे पास, ये चीज हमने आप लोगों को वीडियोस भी सेंड करी थी कि हमारे पास एग्जामिनर को ये चीजों की नीड नहीं है। तो 14 मार्क्स की हमारे पास ये कहानी हो गई, इंट्रोडक्शन। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, सबसे पहला प्रॉब्लम है ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अगर मैं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम की बात करूं तो आप ये फरमाएंगे कि सर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। सर क्या मतलब बेटा, ये आप समझें, ये आपका अजीब सा क्या है, अभी वाला पाकिस्तान है, यहां पर आपको पता है कि यहां पर अजीब सा इंडिया है, और आपको ये भी पता है यहां पर अजीब सा बांग्लादेश है। जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश बेसिकली हमारा ईस्ट पाकिस्तान होता था, क्या होता था, ईस्ट पाकिस्तान। और जो अभी हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस पाकिस्तान को हम कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान, क्या कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान। अगर मैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बात करूं, कभी जिंदगी में आपने कोई ऐसा मुल्क देखा है कि जहां पर दो मुल्क, एक मुल्क के बीच में दूसरा मुल्क आ रहा है, तो मतलब ये कैसा मुल्क है? क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी जहाजों में अगर कहीं जाना है तो आपने इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी यूज कर रहे हो। अगर आप कहीं पर भी पास हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं क्या आएगी, प्रॉब्लम फेस होगी। तो बेहतर ये है कि उन्होंने क्या बोला, यार ये क्या बना के दे दिया, मतलब ये अजीब सा पाकिस्तान बनाकर दे दिया। तो हमारे पास क्या है, ये कहानी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप ये बताओगे, जब ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम की बात करूं तो पाकिस्तान के दो पार्ट थे, ईस्ट और वेस्ट, दोनों के क्लियर बॉर्डर्स नहीं थे, मतलब बॉर्डर तो बना हुआ है तो क्लियर बॉर्डर्स नहीं थे, दोनों पार्ट्स क्या है, एक दूसरे से दूर है। जब दूर है तो बीच में कौन आ रहा है बेटा, इंडिया आ रहा है। अब कराची आपका कैपिटल था, शुरू में कोलाची कहा जाता था, कराची आपका कैपिटल था, और कराची कौन से उसमें है, वेस्ट के अंदर है। उसके बाद आप ये बताओगे, जब कराची से अगर आपने ईस्ट जाना है तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि बीच में इंडिया आ रहा है। और ये ऐसी प्रॉब्लम थी, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब ये आपके ऊपर ऐसा पकड़ा दिया कि भाई इसका कोई हल ही नहीं। तो बात ये है कि ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, कि भाई आपके पास दो हिस्से हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के दोनों हिस्से दूर दूर हैं, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के अंदर आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि एक आपके पास क्या है, अभी वाला पाकिस्तान, दूसरा वाला बांग्लादेश है, बीच में 1000 माइल्स दूर है, बीच में इंडिया टपक रहा है। बीच में जब इंडिया आ रहा है तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि पहले कराची आपका कैपिटल था, वेस्ट के अंदर आपका कैपिटल है, और आपको ईस्ट भी कंट्रोल करना है, और बीच में आ रहा है इंडिया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई हल ही नहीं था। क्यों हल नहीं था बेटा, आप दोनों एरियाज को मिला तो नहीं सकते, दोनों एरियाज को एक जगह पे उठा के तो ला नहीं सकते। तो इट वॉज अ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा आपका क्या था, प्रॉब्लम था, जो कि आपके लिए क्या है, ये मसला हल नहीं हो सकता था। तो हमने ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम में बच्चे क्या पढ़ा, हमने ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम में ये पढ़ा कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था ईस्ट एक था वेस्ट। ईस्ट कौन सा है बेटा, ईस्ट जो पहले क्या था, अभी क्या है, बांग्लादेश, और वेस्ट कौन सा है, जो अभी पाकिस्तान है, पहले बांग्लादेश हमारा पार्ट था, सही है, 1971 में अलग हो जाएगा। अब आप ये बता रहे हो भाई पाकिस्तान के दो पार्ट थे, क्लियर बॉर्डर्स नहीं थे, दोनों बीच में टेरिटरी किसकी आ रही है, बीच में आ रही है इंडियन टेरिटरी, दोनों दोनों पार्ट क्या है, दूर दूर है, बीच में इंडियन टेरिटरी आ रही है। कराची जो कि कैपिटल था, जो कि वेस्ट में,
तो वो ईस्ट को कैसे कंट्रोल करेगा, उसको बीच में किसको देखना पड़ेगा, इंडिया को। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान, और ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि बाउंड्री कमीशन डिसाइड हो चुकी थी, रेड क्लिफ अवार्ड पास हो चुका है सेक्शन 2 के अंदर, और अब आपके पास इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब आप उठा के तो नहीं रख सकते ना एक जगह पे, तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान बना, इंडिया अपनी जगह पर ही है। देखिए पाकिस्तान जहां पर बना वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, वहां पर लोग कम रहते थे। अब बच्चे को समझ ही नहीं आया होगा सर पॉपुलेशन डेंसिटी, आप इतने मुश्किल अल्फाज बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है बच्चे, देखो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में लार्जेस्ट प्रोविंस है आपके पास अल्लाह भला करे बलूचिस्तान, लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पंजाब की। तो मैं कहता हूं यार पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा पंजाब की है क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा रहे। पाकिस्तान जिस एरिया में बनाया गया, जो बाउंड्री डिसाइड हुई, उधर लोग कम रहते थे। जब लोग कम रहते थे तो पाकिस्तान को शुरू से मेहनत करनी थी। इंडिया जहां पर बना तो इंडिया अपनी जगह पर ही था, इंडिया वाले माइग्रेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान वाले माइग्रेट कर रहे, तो पाकिस्तान वालों के लिए मसला था। तो जो एक और मसला था वो ये था गवर्नमेंट बनाना। पाकिस्तान जब बनाने बैठा तो शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि जिस एरिया में पाकिस्तान बना वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा नहीं था, बिल्डिंग्स आपके पास नहीं थी, कहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग वो बनती। फिर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, आपके जो पॉलिटिशियंस थे वो इंडिया के अंदर रह गए थे, जो अच्छे पॉलिटिशियंस थे। फिर हमने क्या करा, तो वो आप बाद में पढ़ोगे कि हमारे पास जिना भाई ने स्पेशल ट्रेन और सबको बुलाया, लेकिन अभी हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, प्रॉब्लम में क्या बताओगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, स्टेशनरी और की काफी ज्यादा वो होती थी, क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस नहीं थे हमारे पास। क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस जो थे वो सारे के सारे कहां पर रह गए थे, वो सारे के सारे इंडिया रह गए थे। कहां रह गए थे बेटा, इंडिया में ही रह गए थे। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या भला होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो चीज होती है जो कि क्या बनाती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। क्या बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कानून। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून बनाता, लॉ बनाता, वो 1973 में बना था, बाद में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। तो कानून बनाने के लिए जिनके लिए असेंबली बनाई, जिन लोगों को हायर करा, वो सारे के सारे क्या थे, वो क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस नहीं थे, वो सारे के सारे क्या थे, अमीर लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लगा, और पाकिस्तान कब बना था, 1947 में, लेकिन 9 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1956 के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस नहीं थे। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट आपकी अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट में जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे। सर क्या मतलब, देखिए अगर मैं अभी बात करूं इमरान खान भाई की, फैन फॉलोइंग नो डाउट बहुत ज्यादा है, लेकिन इमरान खान को आज भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने अपनी टीम बेहतर नहीं करी, आपने अपनी वही टीम रखी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती थी, जो पीएमएल नून की होती थी, आपने अपनी टीम चेंज नहीं करी। टीम बहुत ज्यादा मैटर करती है। सर कैसे मैटर करती है बेटा, सेक्शन 2 में जब आपने इलेक्शंस पढ़े थे 1936-37 के, आपने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान जो मुसलमान थे उनकी एक प्रॉब्लम थी, इमेज प्रॉब्लम। इमेज प्रॉब्लम का क्या मतलब था, शक्ल गंदी तो थी लेकिन एक और मसला ये था कि इमेज प्रॉब्लम का मतलब ये था कि वो लोग इतने अमीर थे तो गरीब लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे। यहां पर भी यही मसला आ रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिशियंस नहीं, जमींदार है। जब जमींदार होंगे तो उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर आप ये बताओगे कि भाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा डिले कर दिया। तो ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या प्रॉब्लम था, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा प्रॉब्लम, डिविजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। डिविजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, उसको डिवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है, पैसों की बात होगी, किसकी बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। अब हमारे पास क्या है, देखें जब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक्ट पास हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया का एक बैंक था जिसका हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4 बिलियन रुपीज पड़े हुए थे, 4 बिलियन रुपीज पड़े हुए थे। कितने, 4 बिलियन रुपीज। उसमें पाकिस्तान का शेयर कितना बनता था, 750 मिलियन। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो हिंदूज बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे, तो इन्होंने बोला कि भाई आपका 750 मिलियन रुपीज बनता है। हमने कहा सही है, मुफ्ते में ही मिल रहे हैं ना, कोई एक्स्ट्रा तो हमें कुछ देना नहीं है, मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, 750 मिलियन में हम खुश हो गए।
खुश तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ ज्यादती भी, ज्यादती ये भी कि पाकिस्तान को सिर्फ 200 मिलियन मिले। कितने मिले? 200 मिलियन, 550 मिलियन नहीं दिए। सर क्यों नहीं दिए? उनको ये डर था कि अगर हमने इनको 750 मिलियन दे दिए तो ये लोग सारा का सारा पैसा किस पे लगा देंगे? अपनी आर्मी पर लगा देंगे। और जब सारा का सारा पैसा अपनी उस पे लगा देंगे तो क्या होगा? ये लोग कश्मीर हमसे फतह कर लेंगे। कश्मीर का भी अभी आप लोग प्रॉब्लम पढ़ोगे। इनको डर था, जिसकी वजह से इन्होंने 550 मिलियन रुपीज रोक लिए। लेकिन हमारे जो गांधी भाई थे ना, वो थे तो बड़े डैश, लेकिन फिर भी अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान कैसे थे कि उन्होंने 550 मिलियन रुपीज जब इंडिया वालों ने रोके तो इन्होंने हमारे सपोर्ट के अंदर हंगर स्ट्राइक कर दी। इन्होंने ये बोला कि भाई अगर आपने मुझे, मतलब क्या होता है कि पहले भाई 750 मिलियन रुपीज बनते थे, 750 में से हमें 200 मिल गए। कितने मिल गए बेटा? 200 मिल गए। जब 200 मिल गए तो 550 रह गए। अब क्या हुआ? गांधी भाई ने हंगर स्ट्राइक कर दी। गांधी भाई ने ये बोला कि मैं भूखा रहूंगा अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने बोला, इंडिया वालों को रहम आ गया। इंडिया वालों ने बोला अगर गांधी भाई भूखे रहे वैसे ही सूखी हड्डी है, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उन्होंने क्या हुआ, डर की वजह से उन्होंने 500 मिलियन हमें दे दिए। कितने दे दिए? 500 दे दिए। लेकिन आज तक वो 50 मिलियन नहीं दिए। पहले 750 में से 200 दिए, फिर गांधी के हंगर स्ट्राइक पे वो दिए। लेकिन अभी हम प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ज्यादा लंबी वो करेंगे। मतलब एक होता है ना, जैसे पूरी हम कहानी बनाएंगे। कहानी ये बना रहे हैं कि भाई 750 मिलियन हमारा शेयर बनता था, वी वर एक्सपेक्टिंग के 750 मिलियन आएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ 200 मिलियन शुरू में मिलते हैं, 550 मिलियन नहीं मिलते। जिसकी क्यों? उनको कश्मीर का डर होता है, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे कम होते हैं। देखो अगर मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सही है, मैं स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, 5 स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक एस्टिमेट बना हुआ होगा। मेरा एस्टिमेट बना हुआ होगा यार, एक स्कूल 80 दे रहा है, एक एक 20 दे रहा है। मैंने इस तरीके से पूरा क्या करा होगा, एस्टिमेट बनाया होगा। मेरे पास 5 लाख समझो एक राउंड फिगर आ रहा है। अब जब 5 लाख रुपए राउंड फिगर आ रहे हैं तो क्या होगा, मैं एक एस्टिमेट बनाऊंगा, यार मेरे इतने एक्सपेंसेस है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने अपने खर्चे सेट करे हुए होंगे यार इतने। अचानक क्या होता है, दो स्कूल बोलते हैं भाई आप बहुत ही वाहियात पढ़ाते हो, आप बहुत ही कचरा पढ़ाते हो, हम आपको स्कूल से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब जिस दिन वो मुझे स्कूल से निकालेंगे, दो स्कूल कम हो गई, समझो 1.5 1.5 लाख वाली कम हो गई, क्या हुआ, 3 लाख, 2 लाख बचे। मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, मैंने खर्चा तो इतना करना था, पैसे तो है नहीं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आया, 750 का वो बना के बैठे हैं माइंडसेट। मिल कितने रहे? 200, 550 नहीं मिले, तो पाकिस्तान को काफी मुश्किल हुई। फिर आप ये बताओगे गांधी भाई ने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, वो दी धमकी दी, जिसकी वजह से इंडिया ने हमें 500 मिलियन पे कर दिए, लेकिन आज तक 50 मिलियन पे नहीं करे। तो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा था बेटा? ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। फिर हमने कौन सा प्रॉब्लम पढ़ा? गवर्नमेंट को बनाने का प्रॉब्लम। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पैसे रोक लिए गए, ये प्रॉब्लम। तीन प्रॉब्लम हमने पढ़ ली है, सही है। अगर किसी बच्चे को मसला है तो वो क्या लिख के भेजेगा बेटा? एन। और जिसको मसला नहीं है वो क्या करेगा बेटा? चिल करेगा। क्या करेगा? चिल। 9:48 तक का टाइम है, अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। बेटा आपको क्या चीज समझ नहीं आई? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम या डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? सेकंड रीजन, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जब हमारे पास पाकिस्तान बना, बेटा रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी, जैसे ये क्लास खत्म होगी तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाया करेगी। आप लोग ड्राइव फोल्डर है, ड्राइव फोल्डर में आप लोग जाएं, आप लोगों को वो एक्सेस मांग लिया करें असिस्टेंट से, आप लोगों को मिल जाया करेगा। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, देखिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान एक अलग जगह पे बन रहा है। जिस जगह पर बन रहा है उधर बिल्डिंग्स की शॉर्टेज है। अब बिल्डिंग की शॉर्टेज है तो रोड पर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ सकते ना। इक्विपमेंट्स नहीं थे, स्टेशनरी नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि हर चीज नई तरीके से सेटअप करनी है। मैं अगर आप कराची में रह रहे हो और मैं अगर आपको ये कहूं कि आप चले जाओ कहां पर, सौराब गोट चले जाओ, आप सौराब गोट, आप बोलोगे सर वहां पे तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको वहां पे खाली फसलों पर भेज दूं, बोलूं जाओ वहां पे जाके काम करो, आप बोलोगे सर मुझे पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान भी एक ऐसी जगह पाकिस्तान भी एक ऐसी जगह पर बना जो कि डेवलप नहीं था। जब वो डेवलप नहीं था तो सारी चीजें शुरू से करनी पड़ रही हैं।
फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस वो नालायक, सारे के सारे जमींदार, उनको पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे, 9 साल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा दिए। ये एक प्रॉब्लम है। देखो, अगर आपकी गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही, अगर आपकी लीडर ही अच्छा नहीं होगा, तो अवाम को कैसे आप सपोर्ट करोगे, अवाम कैसे आप अवाम को ठंडा करोगे, क्योंकि अवाम ने आपकी वजह से माइग्रेशन करी, और माइग्रेशन करने के बाद भी अगर आप ऐसी गवर्नमेंट रखोगे तो क्या हो। तो ये प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट हमें शुरू से सेटअप करनी थी, इंडिया के पास पहले से गवर्नमेंट थी, हमारे बंदे खराब थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में डिले आया। जब कानून ही नहीं होगा मुल्क का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1935 वाला था, जो कि बिल्कुल ही वाहियात था, तो अब हमें अपना कानून बनाने में ही अगर इतना टाइम लग जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है ना, कि अगर आपका कानून ही नहीं है तो आप कैसे रूल करोगे, और जो पुराना कानून है वो 1935 का, ब्रिटिश के जमाने का है, तो वो कैसे फॉलो होगा। तो बात ये है कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम थी। तो जिस बच्चे का सवाल था कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, वो अगर उनको समझ आ गई तो वाई लिख कर भेजें, और अगर नहीं समझ आई तो एन लिख कर भेजें, वापसी समझा दूंगा। चले भाई, अब हमारे पास है डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स। मिलिट्री एसेट्स का बंटवारा कैसे हुआ, मिलिट्री एसेट्स का मतलब क्या होता है। मिलिट्री एसेट्स का मतलब होता है हमारे पास कि जो हमारे मिलिट्री एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास वेपनरी और की बात हो रही होती है। अब वेपनरी का जो रेशियो बना वो ये बना कि 64% इंडिया वालों के पास जाएगा और 36% पाकिस्तान वालों के पास जाएगा। हमने बोला चलो सही है, हम देख लेते हैं। अब 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, पाकिस्तान को एक भी नहीं मिली। सर क्या मतलब, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो जगह होती है जहां वेपन्स बनती हैं। कौन सी फैक्ट्री होती है बेटा, जहां वेपन्स बनती हैं। अब आपके पास 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जब बंटवारा हो रहा था, जब पार्टीशन हो रहा था, हमें एक भी नहीं मिली। अगर हम 64 और 36 का रेशियो लगाए, अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं और कैलकुलेटर में अगर मैं ये लगाऊं, तो मेरे पास 16 इस फैक्ट्रीज थी, सॉरी 16 वो थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। मैं उसको डिवाइड करता हूँ 100 से, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36 से, मेरे पास 5.76 आंसर आ रहा है। एटलीस्ट 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो देते, इन्होंने हमें एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं दी जहां पे वेपन्स बनती हैं। बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, लेकिन हमने रोना धोना कर दिया। जब हमने रोना धोना करा तो इन्होंने हमें 60 मिलियन रुपीज दिए, जिससे हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेट करी वहां पर। अब सर ये वहां कहां पर है, ये लाहौर के करीब है, वहां कैंट। तो हमारे पास क्या, हमने 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या हुई कि हमारे पास क्या हुई, हमने बनाई। तो पाकिस्तान के अंदर क्या थी, सिर्फ 16 वो थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। हमें कितनी मिली, 0 मिली, और इन रिटर्न हमें उन्होंने सिर्फ 60 मिलियन रुपीज दिए, जिससे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी, वो भी सिर्फ वहां पर बनी, वहां कैंट। फिर हमारे पास जितने भी हमें मिलिट्री एसेट्स दिए, जितनी भी हमें वेपनरी और सारी चीजें दी, वो सारी बहुत लेट दी। क्यों सर, क्यों लेट दी, उनको ये डर था कि भाई अगर इनकी वेपनरी अच्छी हो गई तो ये लोग क्या कर लेंगे, कश्मीर को फदा कर लेंगे। तो जिसकी वजह से इन्होंने वेपनरी हमें बहुत लेट दी, और जो वेपनरी दी वो बिल्कुल क्या दी, थकी हुई हालत में दी, डैमेज कंडीशन में दी, बिल्कुल ही बकवास कंडीशन, लेट दे रहे हैं, डैमेज दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी 4,000 लोग है, कितने लोग हैं बेटा, 4,000 लोग। पाकिस्तान की आर्मी का 4,000 का शेयर बनता था। सर क्या मतलब, देखिए आपकी जो ब्रिटिश की आर्मी थी, ब्रिटिश की एक आर्मी थी, ब्रिटिश की आर्मी के अंदर हमारे इंडियंस थे, क्या थे, इंडियंस। इंडियंस के हिसाब से जितने भी इंडियंस होंगे, उसका जो 36% था वो बनता था 4,000, मतलब हमारे 4,000 लोगों का हमारा राइट बनता था कि हमें 4,000 लोग आर्मी वाले मिले। इन्होंने हमें कितने दिए, 2,500 दिए, 1,500 नहीं दिए, हमें शॉर्टेज हो गई, हमें क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई आर्मी की। देखो अगर मैं एक मुल्क बना रहा हूं, इन्होंने क्यों नहीं दिए, इनको ये डर था कि अगर इनकी आर्मी 4,000 की हुई तो ये लोग तो जीत जाएंगे, ये लोग कश्मीर को फतह कर लेंगे, ये लोग बेसिकली डर रहे थे। तो इन्होंने हमें 2,500 क्या दे दिए, बंदे दे दिए, 1,500 बंदे नहीं दिए, जिसकी वजह से हमें हमें आर्मी में काफी ज्यादा क्या हुआ, मसला, हमारी आर्मी वीक हो गई, क्योंकि हमारे पास वेपनरी अच्छी नहीं है, हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिर्फ एक के पैसे आए, वो भी काफी लेट आए। पाकिस्तान की आर्मी को 4,000 का हमारा राइट बनता था, 4,000 लोग हमारे पास आने चाहिए थे आर्मी के, सिर्फ कितने लोग आ रहे हैं, 2,500, 1,500 नहीं है। वो अलग बात है कि हमारी जिना ने एक बात करी थी, अभी हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं इसलिए हम ये चीज मेंशन नहीं कर रहे। जिना ने क्या करा था, जिना ने 500 ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करे थे, हायर करे थे, ताकि हमारी आर्मी क्या हो जाए, वापसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। तो वो जिना की सर्विसेज में हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्टीज भी हमें, क्योंकि हमारी वॉर के चांसेस थे इंडिया के साथ, तो हमें काफी ज्यादा प्रेशर था कि यार हम लोग इंडिया से हार जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास वेपन नहीं, अच्छी कंडीशन में नहीं है, हमारी आर्मी पूरी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किल थी। और ये आपके पास एक और प्रॉब्लम है, डिविजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स।
इसके बाद हमारे पास है मिलिट्री एसेट्स के बाद रेफ्यूजी प्रॉब्लम। सर ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्या होता है? रेफ्यूजी प्रॉब्लम का मतलब यह है कि बेटा पाकिस्तान से लेकर इंडिया की माइग्रेशन हो रही है, या इंडिया से पाकिस्तान की माइग्रेशन हो रही है, कोई ना कोई किसी एरिया में माइग्रेट कर रहा है। इट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेशन, दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन है इंडो पाक माइग्रेशन। अगर आप पॉपुलेशन देखें ना तो साउथ एशियन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की कराची की बात करूं, कराची में 4 करोड़ तकरीबन पॉपुलेशन है। 4 करोड़, 4 करोड़ के अंदर है ना आपके छोटे से छोटे दो मुल्क बन सकते हैं, दो मुल्क। तो हमारे पास क्या है, इट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेशन, लोग काफी रहते थे, तो इट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेशन इंडो पाक माइग्रेशन। इस माइग्रेशन के अंदर क्या हुआ, रेफ्यूजीज आए। रेफ्यूजीज का मतलब ये है कि जो अपने घर बार छोड़कर आ गए, अब उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, अब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। आप ये बताओगे इट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेशन, तो रेफ्यूजीज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये किसके नाम पर हो रही थी, ये बेसिकली जो माइग्रेशन हुई ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर भी, कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम एक नया मुल्क बना रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मतलब इस तरीके की चल रही थी। तो जितने भी मुसलमान थे वो माइग्रेट कर रहे थे मोस्टली। उन्होंने बोला कि भाई रेफ्यूजीज जब ज्यादा आए, कहाँ पर ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर, तो उनको अकोमोडेट, उनको संभालना काफी मुश्किल था। सर उनको संभालना क्यों मुश्किल था बेटा? इसलिए मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेस नहीं थी। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना है, पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, पाकिस्तान के पास पैसों की कमी थी, क्योंकि हमें 750 मिलियन में से सिर्फ 200 मिलियन शुरू में मिले थे। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं थी, पाकिस्तान कहाँ से खिलाता? तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम यह है कि इतने ज्यादा रेफ्यूजीज आ गए कि उनको अकोमोडेट करना क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या था, कि इसकी वजह से बर्डन आना शुरू हो गया ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट। किसके ऊपर बर्डन आना शुरू हो गया? पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आना शुरू हो गया, कि उन्होंने ये सोचा कि यार हम लोग किस तरीके से अब रूल करेंगे, हम इनको किस तरीके से संभालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि हमें क्या करना पड़ा बेटा, फेस करना पड़ा। तो पाकिस्तान के ऊपर बर्डन आ गया। और आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि बाद में फिर जिना हेडक्वार्टर्स बनाते हैं और हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम कराची टू लाहौर। सर क्यों कराची टू लाहौर शिफ्ट कर देते हैं बेटा? क्योंकि रेफ्यूजीज आपके पास इंडिया से आ रहे हैं ना, और इंडिया का एक बॉर्डर कहाँ पे लगता है, लाहौर की तरफ। सर कैसे लगता है बेटा? अगर आप मैप को अगर गौर से देखो तो ये अजीब सा समझो पाकिस्तान है। इस अजीब से पाकिस्तान पे आपने यहाँ पे इंडिया है, कराची आपका यहाँ पर है, लाहौर आपका यहाँ पर है, तो लाहौर और इंडिया का बॉर्डर लगता है वाघा बॉर्डर। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये था कि इन्होंने क्या करा, जिन्होंने एफर्ट्स करी और कराची से हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया, लाहौर में, ताकि भाई रेफ्यूजी जहाँ जो आ रहे हैं उनके कैंप्स लगाए, और कैंप्स लगाने के बाद उनके मसले क्या करें, हल करें। फिर इन्होंने कायदे आजम रिलीफ फंड बनाया, उसके अंदर लोगों को बोला भाई आप चैरिटी दो, जो जो जिनके पास पैसे हैं वो चैरिटी दें, और ताकि हम लोग रेफ्यूजीज को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। तो रिलीफ फंड बनाया, कायदे आजम रिलीफ फंड, जिससे इन्होंने रेफ्यूजीज की मदद करी। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला था क्योंकि पैसों की काफी शॉर्टेज थी और रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा आ गए। जैसे कि अगर आपने कहीं पर बोला कि आज से मैं सबको फ्री खाना खिलाऊंगा, अब आपने बजट बनाया था कि यार मैं 1,000 लोगों को फ्री खिलाऊंगा, वहां आ गए 1,00,000 लोग, क्या करोगे मैं? तो प्रॉब्लम होती है ना। तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि यार रेफ्यूजीज काफी ज्यादा आ रहे हैं लेकिन पैसे हैं नहीं, पैसे हैं नहीं, और क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम, अब उनको मना भी नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान के ऊपर बर्डन ले आता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं हुआ। सही है बेटा, अभी हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्यों हुई। सही है, अभी हम सब पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो। माइग्रेशन वैसे कॉज नहीं पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे कि भाई वो क्यों आया, रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्यों आया, 7 मार्क का एक सवाल आता है। लेकिन अगर अभी आप पूछ रहे हो कि माइग्रेशन क्यों हुई, तो बेटा पाकिस्तान बन गया ना, पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि वो ये वो बोलना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये बोलना चाह रहे थे पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन, मतलब ये सारी चीजें क्या करना, शो करनी है कि ये मुसलमानों की जमीन है। तो अब उनको वहां पर आना ही आना था, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम मुसलमान पाकिस्तान में ही रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे, तो दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड। और माइग्रेशन में इनके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म हुआ। मतलब अगर आप माइग्रेशन भी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ये बात पता चलेगी, हम कोर्स में नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। कभी आप लोग अपने दादा, किसी दादी या परदादा परदादी के साथ बैठना और उनसे पूछना, उनको ये कहना कि आप लोग जब माइग्रेट, अगर वो जिंदा हो अभी, तो उनसे पूछना है कि आप लोगों ने जब माइग्रेट करा तो क्या है, वो आपको कहानियां बताएंगे कि काफी ज्यादा लोगों को मारा गया,
ट्रेन्स आती थी, ट्रेन्स खूना खून होती थी, लोग सीटों के नीचे छुप जाते थे ट्रेन्स की, के भाई वो मार रहे हैं, लोग अपनी सांस से रोक लेते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, ओपन फायर करते थे, मार देते थे। सिख्स और हिंदूज को काफी ज्यादा गुस्सा था तो लोग मार देते, सही है। तो हमारे पास रेफ्यूजी प्रॉब्लम एक था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई काफी लोग आ गए, उनको हमें क्या करना था, खाना पीना देना था, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ। अब है हमारे पास कैनाल वाटर डिस्प्यूट। अब सर ये कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्या है, ये आपको समझ आएगा जब आपने रेड क्लिफ अवार्ड पढ़ा होगा। आपने रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर सेक्शन 2 के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास एक चीज थी जिसका नाम था फिरोजपुर। फिरोजपुर के अंदर सारे हेडवर्क से इंडिया के अंदर, इन्होंने रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर सर साइलेंट रेड क्लिफ ने वो चीज इंडिया को दे दी, हालांकि वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन किसको दे दी, इंडिया को दे दी। अब इंडिया बदमाशी कर सकता है कि हमारा पानी रोक सकता है, हेडवर्क्स वो होते हैं जहां से पानी कंट्रोल हो रहा है। अब इंडिया से अगर पानी कंट्रोल हो रहा है और पाकिस्तान में बहते बार, और अगर इंडिया नलका बंद कर दे या इंडिया टैप बंद कर दे तो क्या होगा, हमारे पास पानी नहीं आएगा। आप ये बताओगे कि 1948 के अंदर इंडिया हमें थ्रेट करता था और हमारा पाकिस्तान का पानी रोक देता था। जब वो पाकिस्तान का पानी रोकता था तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा मसला आता था, क्योंकि वी वर एग्रो बेस्ड कंट्री। हमारे पास एक क्या थी, हम लोग एग्रीकल्चरल कंट्री थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे नंबर वन इंडस्ट्री हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, हमें पानी की शदीद जरूरत थी, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान ने इंडिया से पानी खरीदा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ने सफर करा, क्योंकि हमें पानी खरीदना पड़ रहा है, जो चीज हमें फ्री में चाहिए थी वो चीज अब हमें पैसों से खरीदनी पड़ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने सफर करा और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन क्या हो गए, खराब हो गए। और कैनाल वाटर डिस्प्यूट बेटा कैसे सॉल्व हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी में सॉल्व हुआ था 1960 में, जो कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी, अभी हम सेक्शन 3 में भी पढ़ेंगे। लेकिन कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्या है कि उन्होंने हमारा पानी रोक लिया था, फिरोजपुर में हेडवर्क्स थे, वो हमारा पानी रोक लेते थे, हमें थ्रेट करते थे, हमें पानी खरीदना पड़ता था, पाकिस्तान की इकोनॉमी सफर कर रही थी, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर से ही ग्रो नहीं हो रही थी, हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ही काम नहीं कर रही थी, और हम लोग सफर कर रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी क्या हो गए, खराब हो गए। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने 6 प्रॉब्लम्स कर लिए। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आए 3 प्रॉब्लम्स, अगर नहीं समझ आए तो आप लोग मैसेज करें एन लिख करके, सर मुझे ये एन लिखें और प्रॉब्लम बताएंगे सर कौन सा प्रॉब्लम है, और अगर समझ आ गए तो क्या करेंगे बेटा, चिल करेंगे। चले भैया, अब हम डिविजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स देखें। डिविजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स क्या था, मिलिट्री का मतलब है कि भाई वेपनरीज और की बात हो रही है। पाकिस्तान का जो रेशियो था वो ये था कि भाई अगर हमारे पास 100 गन्स है तो 100 में से 36 हमारी होंगी, सही है, और 64 इंडिया वालों की होंगी। अब हमारा ये रेशियो बनता था, 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, मतलब जहां पर वेपन्स बनती हैं वो हमारे पास 16 फैक्ट्रीज थी। कितनी फैक्ट्रीज थी, 16। हमें कितनी मिली, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें मिली 0। कितनी मिली, 0। मतलब हमारा राइट बनता ना 36% का, मतलब ये हुआ कि यार हमें एटलीस्ट 5-6 तो मिलती, हमें 0 मिली। नुकसान हमारे साथ क्या हुई, ज्यादती हुई, हमारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वेपन नहीं, अगर नहीं बना सकेंगे तो कैसे हम लड़ेंगे। फिर हमें सिर्फ 60 मिलियन रुपीज दे दिए गए, जिससे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी, वो भी कहां पर बनी, वाह कैंट के अंदर बनी। कहां पे बनी, वाह के अंदर। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा क्या था, प्रॉब्लम था, जो कि हमें समझने की जरूरत है। फिर हम बात कर लेते हैं सर और क्या प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास मिलिट्री एसेट्स। अगर मैं मिलिट्री एसेट्स की बात करूं तो हमें मिलिट्री एसेट्स जो मिले वो काफी ज्यादा लेट मिले। क्या मिले, काफी ज्यादा लेट मिले, और जो मिले वो काफी ज्यादा ऑब्सोल्यूट कंडीशन में मिले, मतलब खराब कंडीशन में। अगर मुझे वेपनरी पुरानी मिल रही है, मतलब मैं गोली आगे मार रहा हूँ पीछे जा रही है, वेपनरी पुरानी, उसमें मेरे लोग मर सकते हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना। तीसरा प्रॉब्लम, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 4,000 लोग हम लोग डिजर्व करते थे, क्योंकि हमारा शेयर इतना बनना था बंदों का, क्योंकि बंदे भी डिवाइड होने थे आर्मी के, 4,000 लोग डिजर्व करते थे, हम लोगों का ये राइट बनता था। हमें सिर्फ कितने दिए गए, 2,500 लोग दिए गए, 1,500 नहीं दिए गए। जब 1,500 नहीं दिए गए, हमारी आर्मी कम हो गई, हमारी वेपनरीज बन नहीं सकती थी, हमारी वेपनरीज जो मिली वो खराब थी, तो हम कैसे जीत सकते हैं। हमारे लिए बहुत बुरा प्रॉब्लम था, क्योंकि इंडिया के साथ कभी भी जंग हो सकती थी, कभी भी वॉर हो सकती थी, नया नया पाकिस्तान बना था,
कभी भी जंग हो सकती थी, हमें आर्मी स्ट्रांग चाहिए थी। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारी आर्मी वीक हो गई थी। तो जिन बच्चों का ये सवाल था कि सर मुझे समझ नहीं आया, वो मुझे वाई लिख कर भेजते हैं कि सर मुझे समझ आ गया, नहीं आया वापसी एन लिख कर भेजे, मैं आपको समझाऊंगा। चले भैया, अब हमारे पास है कैनाल वाटर डिस्प्यूट के बाद है डिविजन ऑफ, डिविजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इधर आप तीन मेन प्रिंसली स्टेट्स की बात करोगे जो कि प्रिंसेस रूल कर रहे हैं। अब आपने ये बात सुनी थी कि हमारे पास, जब हमने ये पढ़ा था, जब हम इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ रहे थे, 3 जून प्लान पढ़ रहे थे, उसमें हम एक चीज पढ़ते थे कि प्रिंसली स्टेट्स कैन ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन एंड दे कैन डिसाइड वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। उनकी मर्जी है वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। अब प्रिंसली स्टेट्स, हम तीन प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं, एक है जूनागढ़, एक है हैदराबाद और एक है कश्मीर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कश्मीर, सही है। अब आपने ये बात समझनी है कि हमारे पास जूनागढ़ में क्या हुआ। जूनागढ़ में ये हुआ कि रूलर कौन था, मुसलमान। रूलर कौन था, मुसलमान। पॉपुलेशन कौन है, हिंदू, सही है। रूलर कौन है, मुसलमान, पॉपुलेशन है हिंदू की, मतलब मेजोरिटी हिंदू है। रूलर ज्वाइन करना चाहता था पाकिस्तान, रूलर क्या ज्वाइन करना चाह रहा है, पाकिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट ने ये उपोज कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला पॉपुलेशन हिंदूज की है तो ये कहां पर आएगा, ये हिंदू जूनागढ़ किसका पार्ट बनेगा, इंडिया का पार्ट बनेगा। कहानी ये है कि ये समझो ये है जूनागढ़, इस जूनागढ़ के अंदर जो इसका रूलर है वो कौन है, मुसलमान। जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, हिंदूज की। अब रूलर डिसाइड करेगा ना कि भाई मैं किसको ज्वाइन करूं, वहां अगर रूलर था मुसलमान, रूलर मुसलमान ने क्या कहा, भाई हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान। इंडिया ने बोला भाई आप पाकिस्तान ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन मेजोरिटी हिंदूज की है तो आप इंडिया को ज्वाइन करोगे। तो जूनागढ़ किसका पार्ट बन गया, इंडिया का। हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ, रूलर मुसलमान था, पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, रूलर चाहता था कि मैं किसको ज्वाइन कर लूं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लूं। लेकिन इंडियन फोर्सेस को जब ये बात पता चली तो इंडियन फोर्सेस ने उसको कैप्चर कर लिया, इंडियन फोर्सेस ने उसको फोर्सफुली कैप्चर कर लिया और हैदराबाद किसका पार्ट बन गया, इंडिया का पार्ट बन गया। अब बच्चे का सवाल आता है सर हैदराबाद यहाँ पर भी तो है पाकिस्तान के अंदर, कराची से थोड़ा सा आगे जाते हैं हैदराबाद आ जाता है। बेटा ये हैदराबाद डेक्कन वाले हैदराबाद की बात हो रही है, वहां के हैदराबाद की बात हो रही है, यहाँ के हैदराबाद की बात नहीं हो रही। तो वो आपका जो प्रिंसली स्टेट हमारे पास था वो किसके पास बनना चाहिए था, वो मुसलमान रूलर था, पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, रूलर चाहता था कि पाकिस्तान का पार्ट बने, इंडियन फोर्सेस ने उसको फोर्सफुली कैप्चर करा और वो इंडिया का पार्ट बन गया। हमने चुपचाप बर्दाश्त करा, हमने बोला चलो पॉपुलेशन तो नॉन मुस्लिम्स की है ना, तो पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की है तो इंडिया का पार्ट बना दो, उनकी पॉपुलेशन की मर्जी चलनी चाहिए। हमारे को गुस्सा जब आया जब हमारे पास कश्मीर में ये हरकत करी इन्होंने। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि जूनागढ़ में पॉपुलेशन हिंदूज की है, हैदराबाद में पॉपुलेशन हिंदूज की है, सही है। अब कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर आप ये बताओ कि रूलर कौन है, नॉन मुस्लिम हरी सिंह। पॉपुलेशन किसकी है, पॉपुलेशन है मुसलमान की। अगर मैं जूनागढ़ के हिसाब से देखूं, डक्कन के हिसाब से देखूं, तो हमारे उसमें क्या होना चाहिए, हमारे उसमें ये होना चाहिए था कि हमारा जो रूलर होना, मतलब हमारी पॉपुलेशन मुसलमानों की है तो इसको पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ का जो रूलर है वो किसको ज्वाइन करना चाह रहा होता है, इंडिया को। प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये बताओगे कि भाई जब ये रूलर कहता है कि ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं इंडिया का पार्ट बनेगा तो हमें गुस्सा आता है, हम कहते हैं भाई हमारी पॉपुलेशन की सुनो ना, मेजोरिटी की सुनो, आप जब जूनागढ़ और हैदराबाद के अंदर उसकी सुन रहे हो पॉपुलेशन की, तो यहां पर आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे, पॉपुलेशन की क्यों नहीं सुन रहे, यहां पे आप कह रहे हो रूलर की जो मर्जी है। यहां पे हमारा हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, दोनों कंट्रीज क्लेम करती हैं कि भाई कश्मीर हमारा है, वो कहता है कश्मीर हमारा, मैं कहता हूं कश्मीर मेरा, दोनों का फड्डा चलता है। जब दोनों का फड्डा चलता है और आज तक ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आज तक ये मसला हल नहीं हुआ, रिलेशंस क्या हो गए, गंदे। प्रॉब्लम डिस्प्यूट क्या हुआ, बढ़ गया। अब बच्चे का सवाल आता है नहीं सर कश्मीर डिवाइड हो चुका है, इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी है। बेटा नहीं हुआ, जैसे कि इंडिया में है पाकिस्तान में है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन आपने यहाँ पे सुना होगा कि पाकिस्तान में है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ का ये लोग फॉलो पाकिस्तान को करते हैं लेकिन ये लोगों का प्राइम मिनिस्टर और सब अलग होता है। आजाद का मतलब ये लोग क्या है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, सही है।
वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब ये है कि इंडिया ने उस पर कब्जा करा हुआ है, वो लोग चाहते नहीं है इंडिया के साथ रहना, इंडिया ने उस पर जुल्म कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे डिविजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में जो मसला आता है वो ये है, हमने जूनागढ़ में बर्दाश्त कर लिया, डेक्कन में बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कश्मीर में इसलिए बर्दाश्त नहीं करा क्योंकि आप वहां पर रूल फॉलो कर रहे हो पॉपुलेशन वाइज। यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो कि भाई जो रूलर कहेगा उसकी मर्जी चलेगी, यहाँ पे हमारा फड्डा होता है और कश्मीर का प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम्स होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकता है, बाकी हम इसके सवालात देख लेते हैं कि सर इसके 14 मार्क्स के सवालात किस तरीके के आएंगे। अच्छा देखिए, हमने ज्योग्राफिकल, अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि माइनर होती हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, रेफ्यूजी प्रॉब्लम हमने कर लिया है, सही है। फिर हम लोगों ने करा है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट भी कर लिया है, फिर हमने डिविजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स भी कर लिया है, डिविजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी कर लिया है, कैनाल वाटर डिस्प्यूट भी कर लिया है, प्रिंसली स्टेट्स वाला भी कर लिया है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं करा। सर ये प्रॉब्लम क्या है, ये देखें कचरा प्रॉब्लम, कचरा प्रॉब्लम मतलब पेपर में नहीं लिखनी, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए, बाद में आप लोग कहेंगे अल्लाह अकबर ये क्या हो गया। तो बेहतर ये है कि आपको हर चीज क्या होनी चाहिए पता नहीं चाहिए। आप ये बनाओगे, जब पाकिस्तान बना तो वो एक अंडर डेवलप कंट्री था, कराची से वे एक ऐसी शहर था जो कि डेवलप था क्योंकि कराची में पोर्ट था, बाकी सारे के सारे क्या थे, रूरल एरिया से डेवलप नहीं थे, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, एग्रीकल्चर इसलिए डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि आपके पास क्या चल रही थी, कैनाल वाटर डिस्प्यूट चल रही थी, पानी रोका हुआ था। तो हमारे पास क्या है कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि जब पार्टीशन होता है तो जो जूट की मिल्स होती हैं वो सारी की सारी इंडिया चले जाती है, सही है। फिर आपके पास क्या है कि जो लोग काम कर रहे थे वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, कुछ हद तक जिन्ना ने क्या करा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी थी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई इकोनॉमिकल, कि भाई लोग काफी ज्यादा थे, वो चीजें हल नहीं हो पा रही थी, इंडस्ट्रीज नहीं बन पा रही थी, तो ये सारे प्रॉब्लम हमें आए। एग्रीकल्चर हमारी ग्रो नहीं हो रही थी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो हो रही थी, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में क्या हम रोना धोना शुरू कर देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई। अकोमोडेशन प्रॉब्लम, देखो अकोमोडेशन का मतलब होता है कि रहने की जगह, अकोमोडेट करना। अब अकोमोडेशन प्रॉब्लम ये है कि आप ये बताओगे कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, लोगों को रहने की जगह कहाँ से दूंगा, मेरे घर के बाहर अगर 100 लोग खड़े हो जाए तो मैं रहने की जगह कहाँ से दूंगा, जितनी रहने की जगह है उतनी दूंगा ना, तो हमारे पास रोड पे तो नहीं सुलाऊंगा। तो अकोमोडेशन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये सारी चीजें क्या है, अकोमोडेशन प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स, कि भाई 9 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए। हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर आप बताओगे शुरू के अंदर हम हेल्थ सेक्टर के अंदर बिल्कुल बकवास थे, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, तो हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और हेल्थ प्रॉब्लम जब बढ़ गया, जब रेफ्यूजीज बेचारे मरकर आ रहे हैं, पिटकर आ रहे हैं, हमें उनको मेडिसिन लगानी है, तो शॉर्टेज हो रही है, तो काफी ज्यादा मसले हो रहे हैं। सिर्फ 2 मेजर सिटीज लाहौर और कराची के अंदर हमारे पास क्या था, वो था, ये कचरा रीजंस है, पेपर में नहीं लिखने हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन प्रॉब्लम, उस जमाने में स्कूल्स नहीं थे, उस जमाने के अंदर जो स्कूल्स थे वो भी हमारे पास बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारे पास इतने लोगों को हम उसके अंदर नहीं डाल सकते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। फिर पख्तूनिस्तान इशू एक प्रॉब्लम था, पख्तूनिस्तान इशू ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बोला कि अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने क्लेम करा कि ये जो पख्तूनिस्तान मतलब केपी के है, ये हमारा पार्ट है, और वो लोग अलग होना चाहते थे, मतलब काबुल केपी के बलूचिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, वो लोग पख्तून अलग होना चाहते थे, ये प्रॉब्लम है। फिर जिना ने जाके उनको समझाया कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हो, फिर जिना की बात उन्होंने समझी और वो इनिशियली वो प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि जिना भाई की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 1947 में पाकिस्तान बना, और 1948 के अंदर उनकी अल्लाह को वो क्या हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, तो 11 सितंबर 1948 में उनकी डेथ हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये कचरा प्रॉब्लम्स है, जो मैंने आपको पढ़ा है वो आप पेपर में लिखोगे, सही है, बाकी आपने प्रॉब्लम्स पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब सर आंसर क्या आएगा, सवाल कैसे आएगा, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए सवाल किस तरीके का आएगा, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेसिंग द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंट्री ऑफ पाकिस्तान इन 1947, डू यू एग्री।
सबसे पहले आपने फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का रोना धोना शुरू कर दिया कि भाई यही है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में मसला था। फिर आपने क्या बताया, डिविजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वाला प्रॉब्लम। फिर आपने बताया डिविजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स वाला प्रॉब्लम। फिर आपने क्या बताया कि भाई ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम। फिर आपने बताया कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाला प्रॉब्लम। फिर आपने कश्मीर का प्रॉब्लम बताया, और फिर आपने कहा इन माई ओपिनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस इन इट्स अर्ली ईयर्स। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रहा है, क्योंकि आपने उनको पैसे भी दे रहे हैं, आपने उनको अकोमोडेट भी करना है, उनको सारी चीजें, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर सवाल है था कैनाल वाटर डिस्प्यूट वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेसिंग द न्यूली एस्टैब्लिश कंट्री। कैनाल वाटर डिस्प्यूट सबसे पहले लिखा, अदर रीजन लिखे, कंक्लूजन में क्या बोलोगे, रेफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर अगर 14 मार्क का सवाल आ रहा है, वॉज द रेफ्यूजी इशू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेसिंग द न्यूली एस्टैब्लिश फॉर्म गवर्नमेंट पाकिस्तान, सबसे पहले रेफ्यूजी प्रॉब्लम लिखा, अदर रीजंस लिखे, और एंड में क्या दे दोगे, एग्री कर दोगे कि हाँ वी एग्री विद योर स्टेटमेंट कि हाँ रेफ्यूजी प्रॉब्लम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यू गवर्नमेंट। तो ये हमारे पास 14 मार्क का सवाल आता है कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट था, तो आप इसके अंदर बताते हो कि सर ये प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगी 14 मार्क कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो मुझसे पूछ सकता है एंड लिख करके, सर मुझे समझा दे, सही है? और अगर नहीं है तो क्या करें बेटा, चिल करें, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखें 7 मार्क का सवाल आएगा, एक्सप्लेन व्हाई सब कॉन्टिनेंट फेस रेफ्यूजी प्रॉब्लम। रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्यों फेस करा हमारे पास, किसने, इन्होंने, सब कॉन्टिनेंट ने क्यों फेस करा रेफ्यूजी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, जी बेटा 6 से 7 पॉइंट्स, एटलीस्ट आप 6 पॉइंट तो लिखो लिखो, मतलब क्वेश्चन वाला मिला के 6। सबसे पहले क्वेश्चन वाला रीजन, फिर अदर रीजंस, और एंड में कंक्लूजन। एटलीस्ट 6 पॉइंट होने चाहिए जब आपके पास ज्यादा रीजंस वाला क्वेश्चन होता है, जैसे इसमें ज्यादा रीजंस थे। अब हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई सब कॉन्टिनेंट फेस रेफ्यूजी प्रॉब्लम। रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्यों फेस करा, पाकिस्तान एक न्यू कंट्री था, जब रेफ्यूजीज आए तो वो बिल्कुल खाली हाथ आए, उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना उनके पास कोई पैसे थे, कोई पोजेशन नहीं है। जब उनके पास कोई पोजेशन ही नहीं है तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे लिए प्रॉब्लम था। सर हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम है, आप ये बोल रहे हो कि भाई पाकिस्तान एक न्यू कंट्री था, रेफ्यूजीज के पास कुछ नहीं था, बहुत सारे एरियाज जो है वो इंडिया को जब दे दिए गए तो वो लोग माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना, तो उन्होंने क्या करा, जब माइग्रेट करा तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आया। ना वो माइग्रेट करते, ना ये अनजस्टिस होती कि भाई मुसलमान एरिया को इंडिया में दिया जाता, अगर उनको पाकिस्तान में ही बना दिया जाता, उनको पाकिस्तान के अंदर, जैसे गुरदासपुर हो गया, वो अगर हमें दे दिए जाते तो वहां के लोग क्यों माइग्रेट करते, पागल थे, वो पाकिस्तान में ही होते तो उनको माइग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब उन्होंने माइग्रेट करा तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा क्या आ गया, बर्डन आ गया। फिर आप क्या बताओगे, दूसरी चीज, हिंदूज और सिख्स काफी ज्यादा एंटी मुस्लिम स्टेप्स ले रहे थे, वो मुसलमानों को मार रहे थे, जो मैं आपको ट्रेनों वाली बातें बता रहा हूँ ना, वो लोग मुसलमानों को ओपनली मार रहे थे। आपने अगर कभी वो एक फिल्म देखी हो, एक सलमान खान की थी, भारत के नाम से, कौन सी, भारत के नाम से, उसमें एक सीन दिखाया हुआ था ट्रेन वाला, जिसके अंदर वो पता नहीं उसकी फैमिली कुछ अलग हो जाती है, मुझे सही से याद नहीं है, उसकी फैमिली कुछ अलग हो जाती है, वो ट्रेन से कुछ गिर मिल जाता है और अलग हो जाते हैं, वो भारत का पूरा किस्सा है, पता नहीं कुछ ऐसा सीन था, भारत थी या ट्यूबलाइट थी, पता नहीं कोई ऐसी कोई फिल्म थी। अब हमारे पास क्या है कि भाई हिंदूज और सिख्स की बात हो रही है, ये हिंदूज और सिख्स ओपनली सबको मार रहे हैं, एंटी मुस्लिम स्टेप्स ले रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, वुमेन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी उस पर चुपचाप बैठी हुई है, हम उनको शिकायत करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम करते हैं, हम करते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। अब मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भाई अब मैं अपनी जान बचाऊंगा ना, कि यार अगर मुझे ये लोग जुल्म कर रहे हैं, मेरे ऊपर कांग्रेस रूल ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, मुझे पता है ये लोग मेरे ऊपर जुल्म करेंगे, मैं क्या करूंगा, माइग्रेट करूंगा, मैं सबसे पहले भागूंगा, तो मैंने माइग्रेट करा। जब माइग्रेट करा तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम आया कि भाई लोग ज्यादा माइग्रेट करेंगे तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम आया। फिर आप क्या बताओगे, तीसरा, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था, पाकिस्तान जो बना वो मुसलमान के नाम पर बना, मुसलमान जितने भी थे वो चाहे इंडिया में बैठे हो चाहे वो कहीं भी बैठे हो, वो पाकिस्तान के अंदर आना चाहते थे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, ताकि वो अपना रिलीजन सुकून से क्या कर सके, फॉलो कर सके, जिसकी वजह से रेफ्यूजी प्रॉब्लम आया। पहला रीजन क्या है कि भाई बहुत सारी अनजस्टिस भी, बहुत सारे जो मुस्लिम एरियाज थे वो किसका पार्ट बना दिए गए, वो इंडिया का पार्ट बना दिए गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, माइग्रेट करना पड़ा। दूसरा रीजन क्या है कि भाई हिंदू एंड सिख्स मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, माइग्रेट करना पड़ा। तीसरा क्या है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री था, मुस्लिम कंट्री थी, मुसलमान के नाम पर बना था, जिसकी वजह से लोगों ने क्या करा, माइग्रेट करा।
तो ये आपके पास सवाल आ सकता है पेपर के अंदर। अब कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर 7 मार्क्स में कैसे आएगा, ताकि आप लोगों की जिंदगियां क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। एक्सप्लेन वाई सब कॉन्टिनेंट वॉज फेस्ड विद अ रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन 1947। सिंस पाकिस्तान हैड इंडिपेंडेंट, सो मुस्लिम्स वर लीविंग इंडिया फॉर देयर होमलैंड ऑफन विद लिटिल और नो पोजेशंस। The boundary division was unjust. A number of Muslim majority areas like Gurdaspur and Firozpur were given to area where the Muslims were not feeling secure. They were now vulnerable to the barbarities of the Hindus and Pakistan was unable to help them across the border. हम across the border तो help नहीं कर सकते थे. They therefore left their homes, land and business and joined the migrating caravans towards Pakistan. This burdened the newly established government of Pakistan. तो ये आपका पहला reason हो गया. दूसरा reason, the Hindus and Sikhs in eastern Punjab were particularly fully charged with anti-Muslim sentiments. In such areas, a large number of Muslims were ruthlessly killed, entire Muslim villages were destroyed, women were disrespectful and even children were slaughtered. There were reports that local Indian authorities were also supporting the violent Hindu mobs. Mobs ka matlab hota hai badmash gunde. Under such circumstances, the Muslims had no option except to seek refuge in a safe place and therefore they migrated to Pakistan on large scale to escape the brutalities of Hindus. Third reason, since partition was made on religious lines, a number of Muslims migrated willingly to Pakistan. They could manage to move some of their belongings along with them. They like to live in a Muslim country. So this was the reason. These were the reasons why Pakistan faced refugee problem. अब ये सवाल आपके पास कहाँ कहाँ पर repeat है? Why Pakistan faced with a refugee problem? Same as question two. Why was Pakistan faced a refugee problem in 1947? Same as question two. तो ये आपके पास सवाल तीन दफा आ चुका है कि refugee problem क्यों हमें face करना पड़ा। अब जिस बच्चे को मसला है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, एन लिखकर भेज दे। और अगर जिसको समझ आ गया वो क्या करेगा बेटा, चिल करेगा। चले भैया, अब हमारे पास एक सवाल आता है, हमारे पास एक सवाल आता है कि व्हाई डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस वर प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। मतलब ये है कि भाई जो आर्म फोर्सेस वाला जो मसला हुआ, डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस के सही तरीके से नहीं हुई कि उनको ज्यादा चीजें मिल गई, तो ये प्रॉब्लम क्यों था हमारे लिए? आप ये बताओगे कि मुसलमान सोल्जर्स जो थे वो पाकिस्तान के जो थे वो हमें ज्यादा नहीं मिले। सर क्यों ज्यादा नहीं मिले? इसलिए ज्यादा नहीं मिले क्योंकि मुस्लिम ऑफिसर्स ब्रिटिश आर्मी में कम थे, क्योंकि मुसलमानों की क्वांटिटी कम थी, हिंदू ज्यादा थे, तो मुसलमान के वो ब्रिटिश आर्मी में कम थे। दूसरी बात आपके बताओगे, हम लोग डिजर्व कितने करते थे? हम लोग डिजर्व करते थे 4,000, हमें सिर्फ कितने ऑफिसर्स दिए गए? 2,500। जब हमारे पास ऑफिसर्स ही कम होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, अच्छी बात होगी। अगर मुझे कोई ये कहता है आपके ऊपर हमला होने वाला है, आपको 10 गार्ड्स की जरूरत है और मैं एक गार्ड लेके घूमूंगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना कि भाई मुझे कोई भी मार सकता है, एक गार्ड कैसे बचाएगा? तो 2,500 लोग जब मुझे मिलेंगे 4,000 की जगह, तो इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी, ये प्रॉब्लम था पाकिस्तान के लिए। दूसरा क्या है, आप ये बताओगे जिस बंदे ने पार्टीशन करा था, जो वो कर रहा था मतलब मैनेज कर रहा था, फील्ड मार्शल ऑचिनलेक, ये इस बंदे ने रिजाइन कर दिया था, डिवीजन जॉब इसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही थी तो इसने रिजाइन कर दिया। अब जो नया बंदा आया ना, उस नए बंदे ने भी हमारे साथ नाइंसाफी करी, और नाइंसाफी करते वक्त उसने हमें सिर्फ 0 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दी 16 में से। जब अगर आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 0 दी जाएंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम ही है ना, कोई हंसी की बात तो नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। फिर आप ये बताओगे अनफेयर डिविजन होता है, पाकिस्तान को सप्लाई भी लेट मिलती है, ऑब्सोलीट डैमेज कंडीशन में मिलते हैं, अनयूजेबल मतलब आप गोली आगे मार रहे हो पीछे जा रहा है, तोप आपके पास पड़ा हुआ है आप तोप आगे मार रहे हो पीछे जा रहा है, मतलब घटिया तरीन चीजें मिल रही। क्यों प्रॉब्लम था भाई? पहला प्रॉब्लम, आपको बंदे पूरे नहीं मिले, आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 0 में 16 में से 0 मिलती है, आपके पास जो वेपन होती वो भी बकवास कंडीशन के अंदर, तो हर चीज जब बकवास है तो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। अच्छा ये सवाल जो है ये पहले आते थे इस तरीके के सवाल, और अगर आप यहाँ पे देखो भी तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बाय MYM दिखेगा, मतलब ये पास्ट पेपर का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे। व्हाई डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, मुस्लिम सोल्जर्स ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान व्हाइल नॉन मुस्लिम जॉइन इंडिया, बट देयर वाज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ आर्मी ऑफिसर्स बिकॉज द नंबर ऑफ मुस्लिम आर्मी ऑफिसर्स इन ब्रिटिश आर्मी वाज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू हिंदू आर्मी ऑफिसर्स। हमारे ऑफिसर्स कम थे तो ये एक मसला था। लार्ज आर्मी स्टोर्स वर लोकेटेड ऑन इंडियन साइड,
India was very unfair in the division of army equipment and supplies. The military equipment which was sent to Pakistan mostly consisted of obsolete, damaged and unusable material. बकवास चीज हमें दी जा रही। तीसरा, फील्ड मार्शल औचल ने who supervised the division of armed forces resigned before completing the job. Pakistan would not get its rightful share and division of assets proved to be a problem for Pakistan. Pakistan could not get any ordnance factory out of 16. और ये आर्मी डिविजन वाली बात लिखी हुई है, ये बकवास बात है, लेकिन आप लोग अगर अपना आंसर अच्छा करना चाहते हो तो आप लोग बता सकते हो कि आर्मी डिविजन 20 थी, उसमें से हमें सिर्फ 6 मिली थी। आर्टिलरी डिविजन हमारे पास कितनी थी, हमारे पास जो है 48 थी, हमें सिर्फ 8 मिली। इन्फेंट्री डिविजन हमें 29 में से कितनी मिली, सिर्फ और सिर्फ 8 मिली। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, चीजें कम मिली, पूरी चीजें नहीं मिल रही। तो इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। तो क्यों डिवीजन प्रॉब्लम था, बंदे पूरे नहीं मिल रहे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं मिल रही, हमारे पास जो वेपन मिल रही है वो पुरानी है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ये कचरा सवाल है, पेपर में आ सकता है, आया बहुत पहले आता था तो अभी आने के चांसेस कम। फिर एक सवाल आएगा, एक्सप्लेन थ्री रीजंस फॉर कैनाल वाटर डिस्प्यूट। कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्यों हुआ, सोचकर बताओ। सबसे पहले आप ये बताओगे पंजाब का पार्टीशन हुआ इसलिए हुआ। ना पंजाब पार्टीशन होता ना आपके पास ये अनजस्टिस होती, क्योंकि आपको ये बात बतानी चाहिए पंजाब इंडिया के अंदर भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। पंजाब को अगर ये लोग डिवाइड नहीं करते और पंजाब किसी एक को दे देते तो कभी भी कैनाल वाटर का मसला नहीं आता। पंजाब डिवाइड हुआ तो कैनाल का मसला आया। दूसरा मसला, रेड ग्लिफ अवार्ड। रेड ग्लिफ अवार्ड अनजस्ट है, उसके अंदर फिरोजपुर किसको दे दिया गया, इंडिया को दे दिया गया जो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। जब वो फिरोजपुर इंडिया को दे दिया गया तो हेडवर्क किसके पास चले गए बेटा, इंडिया के पास चले गए। किसके पास चले गए, इंडिया के पास। तो आप ही बता रहे हो कि रेड क्लिफ अवार्ड क्या थे, अनजस्ट थे। बाउंड्री कमीशन जो थी वो अनजस्ट थी, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को दे दिए गए सच एज फिरोजपुर जहां पे हेडवर्क थे, ना ये रेड क्लिफ अवार्ड आता ना ये अनजस्टिस होती। तो ये फिरोजपुर जब डिवाइड हुआ तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो फिरोजपुर इंडिया को दे दिया गया तो उन्होंने हमारा पानी रोका, इसकी वजह से कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुआ। फिर आप ये बताओगे इंडिया ने हमें यह प्रॉमिस करा था कि हम आपका पानी नहीं रोकेंगे, लेकिन 1948 के अंदर उन्होंने अपना पानी रोका, उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक करा और उन्होंने ये क्लेम करा कि भाई फिरोजपुर इंडिया की टेरिटरी में आता है तो वो हमारा ही पानी, उसका जो उसके जो पानी है उस वो सिर्फ हमारा राइट है। तो इस वजह से कैनाल वाटर डिस्प्यूट का मसला आया। तो सबसे पहली मसला क्या है, ना पंजाब डिवाइड होता ना ये मसला आता। दूसरा क्या, फिरोजपुर रेड क्लिफ अवार्ड अनजस्ट था, ज्यादती भी हमारे साथ, और ज्यादती जब हमारे साथ हुई तो वो किसको दे दिया गया, वो इंडिया को दे दिया गया तो उन्होंने हमारा पानी रोका। और तीसरी बात आप क्या बताओगे कि इंडिया ने प्रॉमिस करा था कि वो हमारा पानी नहीं रोकेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा पानी रोका, हमारे ऊपर जुल्म करा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये कैनाल वाटर डिस्प्यूट का मसला आया। अब सर क्या मसला है इसका, इसका आंसर, ये भी पुराना सवाल है, एक्सप्लेन थ्री रीजंस फॉर कैनाल वाटर डिस्प्यूट। तो आप क्या लिखोगे, द पार्टीशन ऑफ पंजाब वॉज अ मेन रीजन ऑफ द कैनाल वाटर डिस्प्यूट, हैड पंजाब नॉट बीन पार्टीशन दिस प्रॉब्लम वुड नॉट हैव राइजन। ना पंजाब डिवाइड होता ना ये प्रॉब्लम आती। Besides that, unjust Red Cliff Award give the Muslim majority districts of Gurdaspur and Firozpur to India. The canal word of headwork on River Ravi and on River Satluj were given to India, while canals coming out of these headworks flowed into Pakistan. Had the Muslim majority districts of Gurdaspur and Firozpur been given to Pakistan, the dispute would not have been occurred. अगर वो areas Pakistan को दे दिए जाते तो कभी ये problem नहीं आता। Most importantly, India had promised not to interfere with the water of these rivers which are vital for irrigation of West Punjab. But on 1st April 1948, India stopped the supply of water of these canals and the dispute started. India claimed that since the headworks fell in their territory, they had the sole right to use the water of these headworks. Pakistan claimed that under international law, Pakistan had the right to use the waters because its agriculture and economy are dependent upon it. तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था, पंजाब हुआ तो इस वजह से कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुआ, रेड क्लिफ अवार्ड में ज्यादती हुई इसलिए प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने हमसे प्रॉमिस करा प्रॉमिस तोड़ा तो इसलिए कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुआ, वरना कभी भी कैनाल वाटर डिस्प्यूट नहीं।